ऐसे रख रहा देखो रे, देखो के रे पूरा गला बोर हो गया है। ये देखो के रे, ये देखो दोस्तों, देखो ये देखो पूरा बर्फ ही बर्फ, देखो के रे पूरा बर्फ हो गया, देख पूरा बर्फ हो गया बाबा, पूरा बर्फ हो गया, बर्फ पूरा बर्फ हो गया, बर्फ ब्लैंकेट अंदर में भी बर्फ हो गया, आसमान में गला चांद भी निकल रहे है, बाहर में भी। अब बाबा मैं सुखा तो बहुत ठंडा है रे, ऐसा ठंडा होने से तू बारे नहीं बोते, मैं सुखा ऐ मैं ठंडा ना हो भी दे, हमारे तो बहुत ठंडा लग गया रे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश ब्लॉग। तो गाइस हम अभी उठे हैं, सुबह का 4:43 हो रहा है गाइस, और हम आज यहाँ से निकलेंगे मेचुका की ओर। उसके बाद आगे क्या होगा हम लोगों को भी पता नहीं है। तो जस्ट नाउ आई वॉक अप एंड अभी करते हैं कुछ ब्रश व्रश, उसके बाद में फ्रेश होते हैं, फिर सामान को फिर लाते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ सामान को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अननेसेसरी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा वेट हो रहा है, तो मैं अपना सामान को थोड़ा कम करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। मैंने अपना सामान को कम कर दिया है, इसको यहीं पे छोड़ के जाएंगे, चेयर टेंट और ये सब लेके जाएंगे, यहाँ पे सामान को आधा वेट कर दिया है। ये बाबा रामदेव का शिष्य है, एक्सरसाइज हो रहा है, इसका जो भाग है। तो ये लीजिए गाइस, हम निकल रहे हैं अभी, चोर रहे हैं वेस्ट यंग डिस्टर्ब करेंगे शी अमी पे। तो या होप करते हैं कि आज बारिश ना हो, वह देखिए धूप आने का संकेत तो दे रहा है। तो आज का प्रोग्राम 5 बजे निकलने का था, बट ऑलरेडी लेट हो चुका है, अभी 6 बज चुके हैं। तो गाइस यहाँ से सीधा जाने से पासीघाट और लेफ्ट साइड जाने से मेचुका सिला पत्थर की ओर, तो वहाँ से भी डाइवर्जन है, हम देखते हैं अभी। तो अभी हम छोड़ रहे हैं आलोंग टाउन को, यहाँ से अभी हमें लेना होगा राइट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या बताऊँ यार, कल का दिन तो इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि सपना का हवा टाइट हो रहा था। डार्क साइड को मैं आप लोगों को बता के इस ब्लॉग को बोरिंग कराना नहीं चाहता। ये है अल्व आतो का गेट, और ये है लाइफलाइन
ऑफ हालो टाउन, ये सिफू रिवर, और यहाँ से लेफ्ट साइड जाने से होगा सिला पत्थर, और हमें जाना है राइट साइड, इस साइड की ओर। और ये बहुत महीना पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था ये एरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये देखिए, बादलों के बीच में होके सवार हम जा रहे हैं। तो गाइस ये जो तीनाली है, यहाँ से हम लेपारादा डिस्ट्रिक्ट यानी कि बासर भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम अभी मेचुका जाएंगे। चलिए आज का डेस्टिनेशन मेचुका, बट देखता हूँ क्या होता है। यहाँ से काइंग है 30 किलोमीटर। टाउन में तो उजाला हो चुका था, यहाँ पहाड़ों में अभी कोहरा है और साथ में इतना खास उजाला भी नहीं हुआ अभी तक। तो या लेट्स एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलिए वी आर नाउ गोइंग इनटू द बॉसम्स ऑफ हिमालया। यस गाइस, हम हिमालय, द ग्रेट हिमालय का बॉसम्स में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं इस समय। तो भाई साहब ये राइड तो कुल्फी जमा देने वाली ठंड है गाइस। तो ठंड तो यहाँ पे लेवल कुछ अलग ही लेवल का ठंड है, क्या बताए यार। पासीघाट में थोड़ा टेम्परेचर अलग था, वहाँ से आलो में आया तो वहाँ का टेम्परेचर अलग था, और यहाँ में अभी क्या बताए यार आज का। लेकिन राइड जो है बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि गूगल भाई साहब ने बताया कि आज जो है सनी होगा, क्लियर होगा। और मैं कल शाम को देखा था, तो जब आलो पहुंच रहे थे तो आप लोगों ने भी देखा होगा माहौल कुछ अंधेरा सा हो गया, एकदम क्लाउडी हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कि 4-5 बजे भी जो है 8-9 बजे जैसा ही लग रहा था। तो यह कल थोड़ा चिंता हो गए थे हम मौसम को देख के, फिर गूगल भाई साहब से पूछा तो बताया कि और 2-3 दिन जो है क्लियर रहने वाले हैं, तो इसलिए ये राइड जो है सुहाना होने वाला है। या लेट्स एंजॉय गाइस, एंजॉय। या गाइस तो ये लीजिए, एंजॉय कीजिए सीनरी को गाइस। यहाँ पे देखिए ये है सियोम रिवर जो चाइना बॉर्डर से होके आते हैं, और हम जा रहे हैं उसके बैंक से, साइड से, और साथ ही हमारे पीछे है सूर्य देवता प्रसन्न होता हुआ, धीरे धीरे वो भी उगने वाले हैं। तो या गाइस ये लीजिए, एंजॉय कीजिए गाइस। यस दिस इज द मैन व्हाट वी वांट यार। वो देखिए गाइस, वो देखिए कितना सुंदर सीनिक नज़ारा है यार। मैं आप लोगों को अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर सक रहा हूँ यार, मुझे हिंदी में भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ गाना ही गा सकता हूँ यार। अब इससे आगे अब मैं क्या कहूँ, धीरे चले। ओके यार धीरे तो चल रहा हूँ, हम 70-80 पे ही तो चल रहा हूँ, भरोसा नहीं है, देखिए गाइस 70-80 पे ही चल रहा हूँ। और ये देखिए आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ में। यस गाइस रियली ये तो क्रूजिंग रोड है यार। यस रियली राइट, इस राइड को हम रियली इंजॉय कर रहे हैं गाइस। मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ इंजॉय कीजिए सीनिक ब्यूटी को गाइस। कम्बा 3 किलोमीटर, तो आगे कम्बा में रिफिलिंग का गैस स्टेशन होने से वी आर गोइंग टू रिफिल आवर सपना एंड आको भैया का जो है थंडरबर्ड को हम वहाँ पे रिफिल करेंगे। यस तो बहुत खूबसूरत दृश्य, अद्भुत नज़ारे के साथ में गाइस। ये देखिए पहाड़ों पे रेस्ट हाउस, और मैं आप लोगों को बताना भूल गया,
जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है उस पर, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पे आदि ट्राइब के लोग रहते हैं आदि। और उसके बाद हम सियांग में जब प्रवेश किए पांगिन वाले स्ट्रेच पे, और पांगिन जो है सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आप लोगों को कल बताता, तो उसमें भी आदि लोग रहते हैं। और उसको हम क्रॉस करते हुए आए हैं यहाँ वेस्ट सियांग में, यहाँ पे गालो और आदि लोग रहते हैं, वन ऑफ द मेजर ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आदि एंड गालोस। तो हम अभी गालो बेल्ट पे हैं और मैं आगे शिओमी पे बताऊंगा आपको पहुंचने से। तो यह रियली एंजॉयिंग आवर जर्नी, नॉट जर्नी यार, एंजॉयिंग आवर एक्सप्लोरेशन यार, एज योर ब्रो इज ए एक्सप्लोरर गाइस। यस, ऐसे ही तो रास्ता का इंतजार था हमें। दिस इज ए रियली क्रूज, क्रूजर बाइक के लिए बहुत मज़ा होना चाहिए था यहाँ पे, पर मेरे सपने को भी उतना ही मज़ा आ रहा है। ये धूल मट्टी से भर गए हैं लेकिन भी एकदम झकास बोले तो। एक बार बाय कर दीजिए कैमरा में, बाय। तो हो गया है रिफ्यूलिंग, तो चलिए रिफ्यूलिंग हो चुका है, 350 का रिफ्यूल किया है मैंने। तो बताया है कि अभी वहाँ से हम अप डाउन आराम से कर पाएंगे मेचुका, और हार्डली 4 आवर्स यहाँ से। तो चलिए लेट्स एंजॉय। देखिए है भाई, मेरे कैमरे में टक टक मार रहा है भाई। ओह शायद ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। ओके नो प्रॉब्लम। तो सूर्य देव भी प्रसन्न होता हुआ गाइस, तो देख सकते हैं आप पहले किरण उस पहाड़ पे पड़ चुका है गाइस, वो देखिए। वाओ रियली इट्स अमेजिंग, दिस इज कांबा गाइस। तो हम यहाँ पे एक बार समय को देख लेते हैं गाइस, वो देखिए गाइस, बहुत सुंदर सा में सनराइज हो चुका है अभी। कांबा पे हमने फर्स्ट किरण को देखा है गाइस, तो हम यहाँ टाइम को देखने के लिए यहाँ पे रखते हैं इसे। तो या लेट्स कंटिन्यू। तो 6:42 में हम लोगों ने देखा आपको कैसा लगा गाइस, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दिस इज काइंग, नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस द काइंग। ये यहाँ पे आदि लोग रहते हैं। ये काइंग का एक चर्च है, रिवाइवल चर्च। ओके, तो बता रहा था यहाँ से स्ट्रेच थोड़ा सिंगल हो जाता है और इतना खास नहीं है, 80-90 में हम नहीं जा पाएंगे। तो लेट्स सी क्या है, लेन तो सिंगल नज़र आ रहा है, आगे देखते हैं। चलिए तो गाइस, जैसे कि काइंग को जैसे ही हम क्रॉस किए हैं, तो देखिए आप खुद देख लीजिए कैसा हाल है रास्ता का, उपाय नहीं है गाइस। तो हमें धीरे धीरे चलना होगा 40-50 में। तो गाइस रास्ता बिल्कुल ऐसा है, मैं यहाँ आप लोगों को बारिश में रिकमेंड नहीं करूँगा आने के लिए घूमने के लिए, क्योंकि बहुत स्लिपरी है। देखिए पूरा लाल लाल मिट्टी है, देखिए बारिश में चलने का लायक नहीं होगा। इसलिए जब भी आप लोग यहाँ आए तो मौसम को ज़रूर हाल चाल देख के आइए। आप अगर प्लान कर रहे हैं मेचुका के लिए, तो आप जरूर गूगल भाई साहब का सहारा से आइए। देखिए पूरा स्लिपरी है, बहुत यहाँ पे क्या बताए हमारा हाल क्या है। वाह सुरताल निकल रहा है, ये देखिए गाइस, ये है हाल इस समय विंटर में।
तो आगे क्या होगा मुझे भी पता नहीं। तो ये हाल है बाबुआ, ये भी देखिए बना बना के टूट गया इस रास्ते को, टूटा हुआ अपना फर्द कहाँ कहाँ रख दिया, देखिए यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, सब परेशान हो गए। गैस आगे देखिए, हम ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ का ऊपर में जा रहे हैं, ये बहुत स्टीप है, बादल का अंदर प्रवेश करने वाले हैं ऐसा लग रहा है। वो देखिए रास्ता बहुत ही ख़राब है गैस, बहुत ख़राब। वापस हमें पांगिंतु आलो वाला जो स्ट्रेच था उसका याद दिला दिया। तो ये देखिए आ रहा है अपना हीरो आ गए हैं। प्रे बाप प्रे बाप प्रे बाप प्रे बाप प्रे, ये देखिए ना, ये देखिए, ये हम वहाँ से आए थे। बाप रे बाप, सूर्यदेव अब पूरा तरह से उग चुका है और हम वही के वही हैं। आगे है पेदी पिल्ट का नजारा, और आगे है हमारा रास्ता। ये देखिए एक छोटा पहाड़ है ना, साइड साइड में बड़ा पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे पापा मम्मी और बेटा या बेटी। वो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है भाई साहब। ये है तुम्बिन आई गेस, यहाँ से मोनीगांव होगा 145, तातो 78, मेचू का 128। ओके शायद ये होगा तुम्बिन। भाई साहब ये देखिए आगे इतना पहाड़ हो गया कि हम पहाड़ के चोटी पे आ गए और आगे कुछ पहाड़ ही नहीं है, इतना पहाड़ हम चढ़ चुके हैं। अभी क्या बताएं गाइस, आगे पूरा एकदम ब्लू ब्लू पहाड़ है और ऊपर पे छोटा सा बर्फ का पहाड़। वाह देखने के लिए, तो गाइस देखिए ना, वो देखिए ना, खाली पहाड़ और ऊपर में पूरा ब्लू हो गया, उसका मतलब हम पहाड़ के बहुत ऊपर आ गए, क्योंकि आगे और पहाड़ ही नहीं है, इतना हम ऊंचाई पे हैं। तो ये लेट्स कंटिन्यू टिल तातो, तो आगे हम कहीं और 1.5 आवर जैसे चल के वहाँ से हम रेस्ट लेंगे वहाँ पे। तो अब हम बनाएंगे चाय, पियेंगे हमारा चाय मास्टर वो 20, 40, 60, 80। हाल दो हाँ अब हो जाएगा। ये क्या जगह है? रेयु ओ ही सी ओमी लो या आदुन सियांग आई। ओ अच्छा 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 ओ अरे नाउ ऑलरेडी वी आर इन एंटर्ड अगेन सियांग डिस्ट्रिक्ट। वो पता नहीं कौन सा जगह है गाइस, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं, पता नहीं ये कौन सी जगह है। एक दो शॉप ही था, दो शॉप खुला हुआ था। तो हम
हमें जाना होगा उस साइड पे। वो देखिए गाइस उस तरफ, और ये देखिए गाइस इतना सुंदर, दिल करता है यार इसे चूम लो यार। वो देखिए पहला पहाड़ हमने बर्फ वाला स्पॉट कर लिया है गाइस। वो देखिए वाव इट्स अमेजिंग यार। उतना ही रास्ता भी अमेजिंग है भाई। चला भाई साहब इसे देख के तो मन हल्का हो गया यार, खुश हो गया। वो देखिए गाइस वहां पे बर्फ अभी पड़ा हुआ है। वो देखिए यहाँ पे रास्ता बहुत पतला है गाइस, शाही देना पड़ता है। पानी गिर रहा है यार। रेपीला पहाड़ के सामने आ गए गाइस, जिसे हम पहले दूर से देखा था वो देखिए गाइस। लिखा था दुपू, शायद ये दुपू गांव है टेडी फील्ड के सामने। इतना प्यारा सा गांव, छोटा सा गांव, देखिए यस दुपू, वेलकम टू दुपू, एक छोटा सा गांव है। ओ यहाँ से एक है वाला यू वाला रास रोड है। तो गाइस हम यहाँ तो राइस का पेज ले रहे हैं, तो यहाँ का व्यू काफी नज़ारा बहुत सुंदर है। तो बर्फीला अभी हम लोग को स्पेशल चाय पिलाएगा ये चाय वाला अंकल। स्पेशल चाय वाला अंकल है ये। और एक दुकान मिला जहाँ से हमें चाय पत्ती मिला, वो भी देखिए असम टी। वाह ये असम टी का प्रमोशन है, लेकिन असम अरुणाचल भाई 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 ये एक मैसेज है भाई, आपस में झगड़ा नहीं, नो झंझट नो झमेला, ओनली आपस में प्यार। तो यहाँ हो रहा है GoPro चार्ज, अपना पावर बैंक खुद लेके आए, ये पावर हाउस है, अभी चार्जिंग हो रहा है, होने दो, बल्ब सलोब पैक के रखा है। और हम अभी पियेंगे मस्त चाय हाँ उस नज़ारे के साथ में। चीयर्स चीयर्स गाइस चीयर्स। वाह बहुत बढ़िया आ रहा है। लोग देख के हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, पता नहीं
ये लोग पागला है क्या, वो क्यों सोच रहे हैं? हम लोग अरुणाचल में शॉर्टकट में पागला बोलते हैं, पागल लोग पागला गया क्या, सत्या गया क्या बोलते हैं। सीओमी एंटर करने वाले हैं, ये सर्विस है, तो यहाँ से सीओमी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे ये चेक पोस्ट पे, तो चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, नीचू का नाम बताइए। दुगे आदो। क्या नाम है? दुगे आदो। तो अभी हो चुका है यहाँ का काम, टेम्परेचर भी लिया कोविड के दो के लिए, कोविड के लिए। उसके बाद में एंट्री भी करना पड़ता है क्योंकि यह अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। सो जबरदस्ती हो चुके हैं। तो लिखा तो है वेलकम टू मेचुका, तातो में कहेगा तातो, यहाँ से तारती कुछ होगा ना, तारती पोर्टी पाइप मिनट जैसे लगेगा होगा ना, या कालेगा कालेगा। चलो तो आगे रखेगा आगे, तो वी हैव डिसाइडेड टू ईट हियर समथिंग। तो मिलेगा ना नहीं मिलेगा होगा यहाँ में। तो पूछ के देख लेगा पहले ना। कुछ खाने के लिए मिलेगा? खाना मिलेगा ना। तो गाइस अभी हम होना में है, यहाँ पे कुछ पेट पूजा करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से कुछ व्यू कुछ इस तरह है, ठंडा ज़्यादा है इसलिए। तो खाना का ऑर्डर हो गया है, खा के फिर तो आ चुका है। अभी ये बताएंगे आपको क्या क्या है खाने में। तो खाने में ये आलू और गोभी है, और ये दाल होगा, और ये मीट चिकन, और ये प्याज मिर्चा और सलाद बस। और खाने हैं सादे खाने, अब हमसे अभी हम खाएंगे इसे और भरेंगे आगे। चलिए तो हमने टेबल को चकाचक कर दिया है, तो अभी हम निकलेंगे आगे। खाना पीना हो चुका है, तो ये ठीक है भैया। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर,
तो यहाँ पे है वेलकम टू मेचुका 89 किलोमीटर। 89 मतलब कि 2-3 घंटा लगेगा। तो लगभग 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, अभी कुछ आधा ही बचा है। तो या बीच में शूटिंग करते करते, वीडियो बनाते बनाते, रेस्ट करते करते उसमें ही टाइम निकल गए। और अभी आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा रेस्ट किया। और रास्ते में इस तरह का झरना, आम बातें मिलते रहेंगे। Really a tough terrain, guys. वाओ गाइस, ये देखिए अलग किस्म का पहाड़, आप व्यू मिल रहे हैं। ये देखिए अनोखा, अचंभित करने वाला ये दृश्य। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता, पहाड़। What a beauty यार, what a beauty, beauty। Sukhodido। Yes guys, this is the Sukhodido waterfall। ये देखिए guys, आश्चर्यचकित करने वाला है दृश्य, देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कुछ वीडियोग्राफी करेंगे। तो गाइस एक बहुत बुरा चीज़ हो गया मेरे साथ,